हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की XUV 300 और ये 2021 का मॉडल है। 1200cc 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इसका इंजन है और हमने इसमें आज लगाई है CNG। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में CNG के पार्ट्स कहाँ कहाँ कौन कौन से लगाए जाते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये है हमारा XUV 300 का इंजन बे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है टर्बो चार्ज इंजन। बहुत से लोगों का मिथ है कि टर्बो चार्ज इंजन में CNG नहीं लग सकती, तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी XUV 300 की, नेक्सॉन की भी कई सारी वीडियो डाली हुई है। तो टर्बो चार्ज गाड़ी में भी CNG इंस्टॉल हो सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पार्ट CNG के कहाँ कहाँ गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये है हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस भरते हैं। ये है CNG का मैप सेंसर, ये है हमारा CNG का ECU, ये है कनेक्टर, कनेक्टर के थ्रू हम गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं लैपटॉप कनेक्ट करके। और ये अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो पीछे ये है रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। और ये ब्लू स्टिकर जिस पे लगा है यह है गेज। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच लगा होता है CNG का गाड़ी के अंदर, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस बाकी है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। और इस कवर के नीचे है हमारे इंजेक्टर रेल्स। ये देखिए ये इंजेक्टर रेल्स हैं। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है तो 3 ही पोर्ट जो हैं इंजेक्टर के वो एक्टिव है, एक फ्री है। इफ़ इन केस फ्यूचर में किसी एक पोर्ट में दिक्कत आती है तो ये जो फ्री वाला पोर्ट है ये यूज़ किया जा सकता है। और ये हमारा टर्बो चार्ज इंजन है तो हम इसमें एडवांसर नहीं इंस्टॉल कर सकते, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की इस गाड़ी में इंस्टॉलेशन हुई है। जिस आदमी को CNG के बारे में नॉलेज ना हो वो बता ही नहीं सकता कि इस गाड़ी में CNG इंस्टॉल्ड है जब तक कि वो इस फिलिंग वॉल्व को ना देख ले। तो अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इसका स्विच हमने कहाँ इंस्टॉल किया है और स्विच के क्या फंक्शंस हैं। तो ये है हमारा CNG का स्विच। एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। ये गाड़ी भी हमारी पुश बटन स्टार्ट है। गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट। इस टाइम है गाड़ी हमारी पेट्रोल पे और जब ये ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगी इसका मतलब गाड़ी हमारी गैस पे आ गई है। ये स्टेबल हो गई मतलब गाड़ी हमारी गैस पे है। और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर XUV 300 का, आप देख सकते हैं कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, RPM एकदम स्टेबल है, गाड़ी हमारी CNG पे ही है और AC हमारा ऑन है। अब मैं आपको एक बार AC ऑफ करके दिखा देता हूँ और RPM देख लेते हैं। ये AC हमारा ऑफ हो गया, RPM हल्के से डाउन हो गए जैसा कि बिहेवियर होता है हर गाड़ी का। एक बार AC ऑन कर देता हूँ, ये RPM हल्के से अप आ गए जैसे कि हर गाड़ी का बिहेवियर होता है। क्या होता है कि जब कंप्रेसर का लोड पड़ता है तो RPM इंजन के थोड़े से बढ़ जाते हैं और जब AC ऑफ होता है तो RPM थोड़े से डाउन आ जाते हैं। वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, उस चीज़ को लेके आपको टेंस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इस स्विच की एक बात और बता दूं, जैसे कि आप किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और आपकी गैस अगर ख़त्म हो जाए तो आपको रुकने की या की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपकी गाड़ी बंद होगी, ये ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगा और एक बज़र बजेगा। आपको बस इस बटन को दबाना है उस बज़र को बंद करने के लिए, उसके बाद आप अपना चलते रहिए और जब आप नेक्स्ट CNG फिल कराएंगे तो आपको ये बटन दोबारा पुश करना है, गाड़ी आपकी दोबारा CNG पे आ जाएगी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी के डिक्की में कितना स्पेस बचता है CNG के सिलेंडर के इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो यह है हमारा XUV 300 का बूट स्पेस। ब्रांड न्यू गाड़ी है, बहुत कम चली हुई है, अभी तो पन्नियाँ भी नहीं उतरी इसकी। और आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचता है इसमें सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। 12 किलो का ये सिलेंडर है। इस गाड़ी में 14 का लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्टेपनी को भी एकोमोडेट करना है। अगर 14 का लगा देंगे तो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, फिर ये स्टेपनी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि भाई ऊंचा सिलेंडर लगा दो स्टेपनी अपनी नीचे चली जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि इसकी जो स्टेपनी है वो बहुत चौड़ी है, डायमीटर बहुत बड़ा है। अगर आप सिलेंडर को ऊंचा भी लगाते हैं तो इस लिप की वजह से जो है स्टेपनी का अपनी जगह पे जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो यही सेटअप आएगा XUV 300 में। तो चलिए अब एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उनकी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है CNG इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो सर, हमने आपकी आज XUV 300 में CNG इंस्टॉल की है, तो आपको काम की क्वालिटी कैसी लगी और आपकी गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है इस टाइम? मेरे को बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम जैसे पेट्रोल में चलती है वैसे हमारी गाड़ी फिलहाल चल रही है भैया। और आपने और लोगों से किसी पूछा था इसमें, जैसे आप बहुत दूर से आए हो? जैसे मैं बहादुरगढ़ से आया, मैंने देखा कई बंदों से कि इसमें CNG लगवानी है, तो उन्होंने सब ने मना कर दिया कि ये टर्बो इंजन है, इसमें CNG नहीं लगेगी। मैंने आपकी वीडियो देखी तो आपसे बात की, आपने बताया यहाँ जाओ और बहुत अच्छा काम हुआ अभी। चलिए तो सर हमारे ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है। और सर की ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी मेरे ख्याल से 5,000 चली है, नहीं सर? हाँ 5,000 चली है, टॉप मॉडल सर की गाड़ी है, सनरूफ वनरूफ पुश बटन स्टार्ट, फुल्ली लोडेड गाड़ी है। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई गाड़ी है जो बहुत अच्छी है मगर आप चलाते नहीं है उसे, क्योंकि भाई पेट्रोल के दाम ने तो धरती में छेद कर दिया, आसमान में छेद कर दिया है, तो हर इंसान थोड़ा कतराता है, तो आप भी CNG लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी की वैल्यू को यूटिलाइज करें। उसे घर पर खड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी वैल्यू गिर रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचो कि भाई मेरी गाड़ी नई की नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू तो डिप्रिशिएट हो ही रही है। इससे बेहतर है आप CNG लगाएं, वो जो पैसा आपने लगाया गाड़ी में उस पैसे को इंजॉय करें, अपनी गाड़ी को इंजॉय करें, उसे यूज़ करें और मतलब टेंशन फ्री हो जाए CNG लगा के। और बस कोशिश करें कि आप जब भी CNG कहीं से भी इंस्टॉल कराएं, क्वालिटी जो हो इंस्टॉलेशन की वो बहुत अच्छी हो। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी इंस्टॉलेशन की, दिक्कतें परेशानियां आने के चांसेस उतने ही ना के बराबर हो जाएंगे। और आपका बहुत से लोगों का सवाल यही रहता है, एक कॉमन सवाल है कि कौन सी किट लगाएं, कौन सा ब्रांड लगाएं। तो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढना है। गवर्नमेंट से अप्रूवल ऐसे ही नहीं मिल जाता, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे पैरामीटर्स पे किट को चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको स्पेसिफिक गाड़ी के लिए अप्रूव किया जाता है। तो आप टेंशन फ्री होके अपना CNG इंस्टॉल कराएं, बस एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढ लें। और मुझसे भी लोग कहते हैं यार आप कोई ब्रांड नहीं बताते, तो वजह यही है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ब्रांड बताऊं वो आपके एरिया में या लोकेलिटी में अवेलेबल हो। इससे बेहतर जो आपके पास जो इंस्टॉलर है वो आपको जो ब्रांड सजेस्ट कर रहा है वो अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप उसे ज़रूर लगाएं। बस ध्यान रखें वो बार बार वही बात, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जो भी पार्ट्स यूज हो वो जेन्युइन हो, इंस्टॉलेशन बहुत बढ़िया हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अपनी ख़त्म करता हूँ। अगर आप में से कोई मुझे कुछ पूछना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, बहुत से लोगों की एक शिकायत है मैं जवाब नहीं देता, तो सर उसके लिए सॉरी, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, कुछ कुछ मिस हो जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्टिल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं देर सवेर आपको जवाब दे ही दूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।